तो सबके हाथ बांधे। मैंने कहा प्रभु था अशोक पंडित था वो धुंधा वाला। मैंने कहा मैं निकल जाऊँ, सब में लगा तरफ से गोली। तो 16 एक जगह मारे, फिर 4 एक जगह मारे, 7 एक जगह मारे, इस तरह 27 मारे रात रात में। तो बब्बड़ मच गया। फिर कोई ये कहता पुलिस वाले कि भाई डमस्कर वाली गेंग है, तो वो कैसा वो 27 मारे मरवाओगे। बदलते दौर के बदलते हुए हालातों में सब कुछ बदल गया, पर चंबल घाटी और चंबल नदी का पानी बिल्कुल नहीं बदला। कहते हैं कि 25वीं में कौरवों के हाथों बदनाम होने के बाद द्रौपदी ने इस नदी और इसके पीने वालों को श्राप दे दिया था, ऐसा श्राप जो कभी मिटा ही नहीं। तो दोस्तों कहते हैं कि आज भी जब लोग चंबल घाटी या चंबल नदी का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में यह खूबसूरत सी नदी याद नहीं आती है, पर जो याद आता है वो है बागी, बंदूक, गोली और उनसे जुड़ा हुआ खून खराबा। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ खून खराबे से जुड़ी हुई कहानी रही है दस्यु सम्राट रमेश सिंह सिकरवार जी के जीवन की, जिनसे कि आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाने ले जा रहा हूँ। कहते हैं कि 1970 से 1984 के दशक में उन्होंने अपने गैंग के 32 लोगों के साथ घाटी के श्योपुर इलाके में अपना आतंक फैला रखा था। हालांकि उन्होंने 1984 में सरेंडर कर दिया था और वर्तमान में वे आज सीधा साधा किसान का जीवन जी रहे हैं, लेकिन 1984 से पहले तक उनके नाम थी 100 किडनैपिंग, 30 डकैती और 70 मर्डर। तो दोस्तों चलते हैं रमेश सिंह सिकरवार जी के घर पर और जानते हैं आखिर क्या है ऐसा इस चंबल नदी के पानी में जो लोग यहाँ बागी होने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों हम चल रहे हैं चंबल के धौलपुर वाले हिस्से से मध्य प्रदेश के करहाल शहर की ओर, क्योंकि वहाँ करहाल के लहरौनी गांव में ही उनको सरकार के द्वारा सरेंडर करने पर जमीन मिली है और वहीं उनका निवास स्थान है। तो दोस्तों आखिरकार एक छोटे से सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं लहरौनी, जो कि करहाल तहसील में पड़ता है, और हमारे पीछे हैं रमेश सिकरवार जी। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं थोड़ा क्या रहा है चंबल का इतिहास और किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग बागी बन जाते हैं। आप बागी बने तब आपकी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या आप चल रहा था आपके दिमाग में कि आपको चंबल के भीड़ों में कदम रखना पड़ा? देखो आज हमको ले लो या आपको ले, एक्स वाई जेड किसी को भी ले लो आप, कोई अपने परिवार को घर को छोड़ना ही चाहता है, मजबूरी ऐसी हो जाती है। एक ना तो प्रशासन सुनता है कि उनको न्याय कहीं नहीं मिलता, ना समाज सुनता है, समाज रिश्तेदार भी कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पहले था आज भी वही चल रहा है। चाहे शासन में देख लिए या जनता में आप देखिएगा, तो उसमें जो है अपने साथ कम 30-32 लोग थे बागी, तो बागी जब बनता है उसको कहीं न्याय नहीं मिलता है। तो अपने साथ ही वही हुआ कि अपने पिताजी के साथ, अपने जो चाचा थे अंकल, अपने चाचा पिताजी छोटे भाई, उन्होंने 60-70 भैंस थी, 200-250 गैया थी, ज़मीन ही 400-500 भी गई, तो ना ज़मीन दी ना भैंस का कोई हिस्सा भी नहीं दिया उनको, वो तलवार लेके मारने को तैयार हो गए। तो हम अपने पिताजी ने जो कहा कि बेटा ये दुष्ट लोग हैं, इनसे अपने सामानों को मांगो वो नहीं देंगे, तो जब जो अपने भाई के नहीं गए तुम्हारे कहाँ होंगे बेटा ये, उन्होंने जाना तुम्हारे में, उनके पास गया था, इनसे निवेदन किया कि चाचा जी भैंस भी दे दो, गाय बैल सब हिस्सा करो। उन्होंने कहा अब कहा हिस्सा, तुम 10-20 साल हमारे तो रहते, अब कुछ नहीं है तुम्हारा, छोड़े में छोड़ के चले गए, तो ज़मीन तो मेरे पिताजी के नाम 90 बीघे ज़मीन है, वो तो मुझे सही है। उन्होंने मना कर दिया, मैं जबरदस्ती वहाँ 10 बार टीन घी के ले आया, जबरदस्ती उठा के बैलगाड़ी समेत ले गया, तो उन्होंने रिपोर्ट डाल दी कराल थाने में। एक आखम सिंह यादव थे अंदर हुआ जी, उन्होंने केस काम कर दिया, 379-80 का मेरे पास पहुँचे वो कि आपने वहाँ चोरी करके लाए, मिकाई की घी की और बैलगाड़ी ले आए, भैंस भी ले आए, यहाँ लाए कि आप किस काम हो गया है। मैंने मैं जमात करा लूँगा कि अभी नहीं, तो उनको मैंने 400 रुपये देकर दरवाजे को वापस कर दिया। उससे मैं भी जाओ एक दो महीने बाद जमात कराऊँगी इकट्ठी बाद में, कि इकट्ठी का वो कराओगे मेरे चाचा को मार के। बोले अच्छा हम यहाँ हम आपको बता रहे हैं, हम देख रहे हैं, नहीं ऐसा मत करना ठीक है, नहीं करेंगे देखेंगे जाओ। तो अपनी सिस्टर की शादी थी, शादी करने के बाद में अपने पिताजी बोले ये दुष्ट हैं ये मानेंगे नहीं, बोले अब मैं करे तेल मेरा आशीर्वाद तू बागी बन, वो मार साले ने
तो जिस साथ माँ बाप का आशीर्वाद होता है आप अग्नि में कूद जाते वो भी नहीं जलेगा। तो माँ बाप एक जो अपने देवता का रूप होता है, तो मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, माताजी पिताजी। क्यों मैं शुरू से कुश्ती लड़ना, घी दूध दही खाना पीने का शौक था मुझे, अल उठाना, तो बड़े खुश थे मुझसे। और आसपास क्षेत्र गांव के लोग भी जो दो चार गांव थे वो भी अपने साथ ही लड़के सभी खुश थे। तो मैं जब बागी पिताजी का आशीर्वाद मिल गया तो चाचा को जाके पहले जिसकी जो जमीन जो रहे थे आज वो जमीन अपने पास है। वो कहते आखिर वो एंड में जीत तो न्याय की होती है, तो परेशानियाँ तो पड़ती हैं, तो परेशानी पूरी पड़ी, परिवार परेशान, अपन लोग परेशान, पूरे जंगल में बागी बनना पड़ा। और 10-12 साल जंगल में बिताए, तब पहले एक साल तो मैं अकेला रहा था जंगल में, एक साल बाद 4 आदमी बढ़े, फिर धीरे धीरे 32 आदमी बढ़े गैंग के, फिर भर्ती चलती रही, फिर मर्डर करके आएगा वो आ जाओ गैंग में वहाँ से। आज जो है यहाँ सुखी है। जब पिताजी ने फिर बोला दोबारा, बेटा बहुत वो सब काम हो गया, अब हाजिर हो जाओ, तो अरविंद सिंह मुख्यमंत्री पिताजी लेके आए, वो पूरी भी आगे मिले। वो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा मैं आपसे वादा करता हूँ शर्त तुम्हारी सब शर्त दूंगा, आप हाजिर हो जाओ। विपक्ष वाले कहते हैं अरविंद सिंह मिले हुए हैं, इसलिए आप मेरे कहना हाजिर हो जाओ। फिर अपने सरेंडर उनके कहने से 27-10-84 को। तो बागी जो बनता है मजबूरी में बनाती है, तो पुलिस नहीं सुनती है, प्रशासन को नहीं सुनता, समाज साथ नहीं देता, तब मजबूरी में बागी बनता है। हमेशा जो बागी बनते हैं अपने चंबल से मांगू जमीन के पीछे ही बनते हैं, हम पटवारी और पुलिस। अगर ये न्याय करें तो कभी बागी समस्या पैदा भी नहीं होगी। के पीछे पुलिस पड़ी थी, और जब आप बागी के इसमें काम में आए तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? जैसे मान के चलिए कि पुलिस आपके पीछे ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंच रही है, तो आप उनको कैसे सुरक्षित करते थे? तो बागी के घर वालों की, रिश्तेदारों की तो सुरक्षा हो नहीं पाती, प्रशासन कहाँ तक बच के जाओगे। अपने जो है बड़े भाई साहब थे, अपने साले थे, 2-3 अपने रिश्तेदार थे, उनको तो मेरे साथ बागी बनना पड़ा। पुलिस वाले मारपीट करती थी, उनको मरवाओ, तो अपने भाई को भाई मरवा तो सकता नहीं है, थोड़ा ही आत्मा व प्रेम है दुष्ट की, मत कहो एक आदि की। तो वो भाई को बड़े भाई थे, उनको बागी बनना पड़ा। बोले साहब मुझे छोड़ दो, एसपी से वो कह के आए, उस समय ट्यूकर एसपी था ये, तो वो ज़्यादा मारपीट करते लोगों में, तो उन्होंने कहा मुझे छोड़ो, मैं उनको हाजिर करा दूँगा, मरवा दूँगा साहब, कहीं मरवाओ कि मरवा दूँगा साहब, मुझे छोड़ो। तो वो छूट के आज सीधे बागी बन गए। एक अपने साले थे वो छूट गए, वो बागी बन गए। 2-3 अपने गांव वाले थे वो भी बागी बने। पुलिस जब एक बागी बनता है तो उनके आर दोस्त कई को बागी बनना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने मारपीट करती है बेरहमी से, तो बागी बन जाती है। वो घर वालों को जेल में रहना पड़ता है, तो घर वालों को तो पूरी परेशानी पड़ती है। परंतु अपने पिताजी का ये कहना था बिल्कुल हमारी तो फांसी हो जाएगी, जब तक मैं नहीं कहूँगा जब तक आप बेटा हाजिर मत होना, और आप प्रेम से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी माता जी पिताजी दोनों जेल में नहीं गए, वो अब पालपुर थाने भी रहते थे, बुजुर्ग थे, उनके पुलिस वाले भी सब जो अधिकारी उनके पैर छीते थे पिताजी के, वो कहते ये तो देवता आदमी है, पुलिस इनसे कुछ मत कहना बिल्कुल ही, बस वो कहते कोई मानने वाला नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, हम कभी हाजिर हो जाए तब बता रहे वो नहीं मरेंगे वहाँ से। तो माँ बाप का आशीर्वाद था वहाँ से, वो बागी बनता तो फिर घर वालों की परेशानी पूरी आती है। कभी कोई ऐसा गुनाह या कोई ऐसा जिसका आपको पछतावा हो गया यार ऐसा मेरे से हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर आप उसको वापस से अभी पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप उसे सुधार सकते हैं, ऐसा कोई काम? देखो इंसान की गलतियाँ तो होती हैं, ऐसे ही एक मर्डर हो गया था अपन से, पंत मुझे कहते होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, वो जाको राख साइए मार सकन का, ये बात सत्य है। अगर किसी की होनी होती है उसको आप कितने ही बचाओगे, बच नहीं पाएगा। किसी को एक्सीडेंट होना है आप मना करोगे रोड पे, आप उधर सीपरी नहीं जाओगे, परंतु उसको तो ले जाएगा काल। अपन लोग पूरी गैंग के थे एकदम, बेराल बेराल की बात है सीपरी जिले की। तो एक था कोई मीणा जात का, तो उसे कुएं पे हम लोग, गर्मी का मौसम था, कहीं 30-32 आदमी पूरी गैंग थी, 10-20 आदमी गाँव वाले, कभी 70-80 आदमी थे, मतलब पानी पी लें गर्मी का मौसम। तो कुआ में बैठ रहा था अपनी बंदूक को लेके बारह बोल, वो उसने पानी नहीं पीने दिया, बोले यहाँ पानी नहीं पीने दो किसी को। उसका थ्रेसर चल रहा, गेहूँ का कट रहे थे, लेबर लगी, लेबर वाले बहुत से आदमी थे, 10-20 आदमी, उनका बोले वो डक कहते वो
बोले मुखिया ही सकरवार साहब की गेंग है, बोले कोई भी सकरवार हो पानी नहीं पीने दो, कुआ मेरा है। मैंने उसको समझाया बेटा ये रस्सी बाल्टी तेरी रखी है, यहाँ से एक बाल्टी पानी सब लोग पानी पी जाएंगे, कुआ खुदाते हैं प्याज लगाते हैं धर्मों काम होता है, पानी कोई कभी मना नहीं करता है, तो यार मूर्ख हो जाएगी बात क्यों कर रहा है। बोले मेरा कुआ मुझे पानी नहीं पीने दूंगा। उसे प्रेम से कहा तुझे भी कोई बागी मार देगा तो वो उल्टी गाली देने लगा हम लोगों से। बोले रस्सी बाल्टी से कोई हाथ में ले लेगा तो मैं गोली दे दूंगा साले में। मैं तू बीच में खड़ा है इसकी बंदूक ले रहे थे लो हमारे साथ ही, उसकी बंदूक भी छीन ली। फिर अब तू गोली काई की देगा क्या करेगा, अब तुम्हें गोली पड़ जाएगी, मुझे में गोली देने वाला कोई पैदा ही नहीं है। मैंने उसको समझाया जब मैंने कहा सुने भाई बहुत हो गया, तो 10 मिनट से बहस कर रहा है, आवाज़ बंद करें गोली दूंगा। तो मेरे बोला जो मेरे को गोली दिया वो मेरे गाली देने लगा, वहाँ बहन होगी। मैंने उससे कहा अरे मूर्ख हम लोग बागी है, एक मोटर और तू मर जाएगा तेरा काला आ रही आएगा, कि गोली दे के बता दे तब पता लगेगा। तो मुझे गुस्सा आई, वहाँ गोली दे दी मर गया। अब उसका दुख होता है देखो पानी पर कोई बात उससे कोई दुश्मनी नहीं थी कुछ भी नहीं था, तो पछताव के कहीं कोई ऐसा भी हो जाता निर्दोष भी आज मर जाता, उसे कोई मतलब नहीं था, पानी पीछे मर गया। वो वहाँ से पूछो लेबर से एसपी ने पूछा सुबह आके किसी को क्यों मार गया साहब पानी नहीं पीने दे रहे किसी को, बोले क्यों बस सही सही बार वो जब उनसे गाली दे रहे साहब अपने सकरवार से मुखिया जी हैं, बोले होंगे कोई भी उनसे माँ बहन गाली देना उन्होंने कहा गोली देता हम कह दिया कैसे था माँ का दूध पिया गोली दे मर गया साहब जानवर मरा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता निर्दोष आदमी भी मर जाता दुख तो उसका होता फिर क्या करोगे, तो कभी गलतियाँ तो हो जाती हैं सब इंसान से होती हैं, पर पछतावा क्या पछतावे होता क्या सब निकल गया गोली निकल जाती बंदूक से मैं वापस नहीं होती वो, तो ऐसा कभी हो जाता था निर्दोष आदमी वो एक मरा था उसका दुख आज भी है हम लोगों सबको हो जाता है। जी गैंग का या परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो आपको छोड़ के चला गया हो और जिससे आपको काफ़ी दुख पहुँचा हो? देखो छोड़ के तो अपन के गैंग वाले में धोखा भी करते हैं, एक पंडित अपने साथ में था उसकी धोंधा का रहने वाला था शोक पंडित, उसके सब लोग पैर छीते थे, उसका बड़ा भाई अपने गांव में भी आया था, तो भाई सब गेहूँ वाले को से जिया जिया बोलते थे पैर छीते पंडित जी के नाते। फिर भी उससे ना ये पाठक डीआईजी थे अयोध्यानाथ पाठक अपने टाइम में ग्वालियर डीआईजी थे, उन्होंने मिल के उसको ऐसा उसके भाई को उनको ऐसा पढ़ा दिया उसने आगे पूरी गेम को जेर दे दिया फिर मैंने उससे सब पूछा मीरा ये बता पंडित जी तो तुमने दिया कि नहीं भाई मुझे पता है उसमें से अपने बागी जो है मरे तो नहीं, फिर डॉक्टर मुरे से बुला ली तो बच गए दो चार घंटे में उसमें आ गए। फिर वो बोल गया साहब मेरा भाई जेल लेके आया था तो उसको गेम उस पर निकाल दिया अपन लोगों ने, और उसके बाद मेरे इन्फांटर हो गया तो पछताव होता अपने तीन चार साथी ये तो काट रहे भूपेंद्र मारे गए थे मुझे जानते हैं उसे, और दो तीन साथी और मारे गए, तो दुख तो होता है अपने साथ ही जाते हैं तो दुख तो होता है पर क्या करोगे मजबूरियां होती हैं। वहाँ से एक तो बहुत अपना वफादार आदमी था मला भोई, वो रात दिन मेरे बॉडी गार्ड साथ में सोता, बहुत वफादार दमदार था वो, अपने बच्चों से भाइयों से सबसे ज़्यादा था, कोई मारा जाता तो दुख होता है पर गेम में ऐसा चलता रहता है कि आएगा वो जाएगा तसल्ली करके आदमी रह जाता है। वहाँ से तो मिलने वाली मिलती हैं और चले जाते हैं वो, तो अब दुख तो गैंग वालों का चले जाते हैं हाजिर होने के बाद भी दुख होता है, उसके बच्चे अभी भी हैं उनकी व्यवस्था हम नहीं करी थी पूरी। अंकल जी जैसे आप बागी जीवन से सामान्य जीवन में आए तो क्या लोग आपका सम्मान करते थे कि नहीं? तो वैसे वो जीवन अलग है, वो जीवन तो कुछ दबाव का कारण था, आदमी बंधु की भैंसे जो है सम्मान करते हैं मान करते हैं, जो जीवन में प्रेम अलग होता है, अब आदमी प्रेम से बैठना समाज में रहना करना वो जीवन है, जो जीवन अच्छा है वो जीवन तो राक्षसी जीवन है, क्यों वो तो बंदूक की बात से भेके बने आदमी प्रेम भी करता पर मान सोचते इस बात को, वो आज अलग प्रेम है जनता में सब देखते हैं, आज अधिकारी वर्ग में जाएंगे या सम्मान वर्ग में जाओगे तो सभी लोग इज्जत करते हैं, बाकी चाहे आप समाज की हो चाहे समाज की हो सबके साथ प्रेम से। तो अंकल जी जैसे आप सामान्य जीवन में आए तो हमने सुना है कि आपने काफ़ी लोक कल्याण किया, चाहे फिर वो गरीब का कल्याण करने के लिए भू माफिया से ज़मीन का निपटारा हो
या शासन का कोई वो हो आपने किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात तो सही है, अपना हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं, आज भी उनके गरीबों के साथ लगा हूँ मैं। किसी जन में कोई दबंग कब्जा कर लेता उसको छुड़वाना, या तो अपन छुड़वा देते हैं 90%, अगर वो जो है फिर भी कड़क पड़ता तो शासन द्वारा उसकी मांग करके ऊपर तक जो है उसके साथ जमीन छुड़वा देते हैं कि 50 लोगों की जमीन छूट गई है। वो आज वही काम चल रहा है, गरीबियों के साथ अपन जी जान से न्याय का साथ देता, न्याय साथ कभी नहीं देंगे अपन। जीवन जब अपन था उस समय एक गैंग पान सिंह तोमर की हुई, वो हमको मिल गया किसी शाम को 5 बजे। एक जो है बाबा थे उधर हीरामन के जंगल में मुरैना ज़िले में, उन्होंने मिलवाया कि पान सिंह ठाकुर साहब आप मिलने ही करें, कि शुक्रवार रात मुझे मिलवाना, कहाँ है मुझे यहीं है। तो हम गए 7-8 आदमी थे उनके साथ, शाम को 4 बजे 5 बजे गर्मी का मौसम था, रम की बोतल उनके सामने रखी, दारू पी रहे, वहाँ पापड़ सीख करके लिया, नमकीन खा रहे थे। मैं उनको देखते ही मैं बैठा नहीं, मैंने कि मिलिट्री की रिटायरमेंट थी, उम्र भी ज़्यादा थी, मैंने कि दादा क्या कर रहा है ये, तो तुम्हारा काल है ये। बोले हम मिलिट्री में रहते हैं, मिलिट्री में चलता है ये, मिलिट्री नहीं है ये, वो मिलिट्री वाले ही मारेंगे तुमको। बोले हाँ ऐसा थोड़ी होता है, बोले तुम इसको आप पियो तुम तो आप उसको भी मिलेंगे भी नहीं। जो डके दारू पिएगा घर में जाएगा, वहाँ से गांव में जाएगा तो मरेगा, आप तो कुछ दिन के लिए मरो मरना बचोगे नहीं। बोले मारेगा कौन ही पुलिस वाले मारो, ज़्यादा दारू हो जाएगी तुम घर उस जाओ मर जाओ उसी दिन। तो 15-20 दिन बाद वो भिंड में रहती है पूरा पड़ता है, वहाँ एक जाटा घर पहुँची, वहाँ बरगा बकरा कटा, उसने मिला दिया दारू में, वहीं अंधे हो गए। उसका भतीजा था बलवंत, वो अकेला बच के आया, सब मारे गए, अंधे हो गए, वो दारू मारे गए। जो भी डके दारू पीता है या गांव में जाता है वो कई बच्चनियों मर जाते हैं। हमारा सिद्ध अलग था, जंगल में रहते जरूर थे, रक्षाबंधन पर आदिवासियों की 100 लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती राखी बांधने के लिए, तो सबको 5-5 रुपए दिए, पैर छी जा बेटा प्रेम से वहाँ से। और उन लोगों का सिद्धांत अलग था, बाकियों का सिद्धांत होना चाहिए कि एक तो औरत को कभी टच नहीं, चल 1 किलो सुनना पैर है, बहन बेटी किसकी मिल जाओ उसकी नहीं, अपनी है वो माँ का रूप लेकर चलेगा तो बचेगा, नहीं बच पाएगा। माँ औरत हुए का शक्तियाँ, ये देवी शक्तियाँ, इनसे जो आदमी अपमान करेगा उसको अपने आप में बढ़ेगा, वो बचेगा नहीं वो। तो अपना सिद्धांत पहले था, आज भी यही है कि नहीं भाई बहन बेटी किसी की वो अपनी मान के चलो उसके लिए, उसमें रह जाता ये कहना है। देखो बागियों के साथ जो कोई घटना करते हैं, गद्दारी करते हैं, तो वो लोग जो कहते हैं उनको फलाने आदमी आपने क्यों मारा, बागी किसी को निर्दोष को कभी नहीं मारेगा, उसको क्या मतलब किसी गरीबी को मारने से क्या मिलेगा। परंतु जो बागी साथ घटना करते हैं, गद्दारी करते हैं, उसको बागी कभी नहीं बख्शता है, वो कहते जिन वो मारा थे मैं मारा। रावण का हनुमान जी का रावण ने कि हमारे लोग क्यों मारे आपने, कि वो मुझे मारे इसलिए मैंने मार डाले। तो बाणवाड़ी जो लोग थे वो 27 मरे एक दिन, कहते आपने इतने मर्डर 27 मर्डर क्यों किए एक दिन में। तो मजबूरी फंसाजियों ने अपने एक साथी था हल्कि उसका नाम था, धोंधा रहने वाला था, उसको मरवा दिया उन्होंने धोखा दे के। कैसे कि एक मारवा शिव सिंह नाम मारवा गया था, उसको मैंने 50 रुपये दिए सामान के लिए, और सामान लाते हुए वो पुलिस लेके आ गया, और मैं वहाँ था नहीं अपने कैंप पर, मैं वह लोगों से मिलने चले गया, अपने 8 दोस्त आए थे बाहर से, उनको इंटर हो गया, उसने अपने साथ की कोई गोली लग गई वो मर गया। उसने कहा लाल पगड़ी वाले तुमने धोखा किया है, उनकी ठप्पों पर मैं गया माड़ा बारी हो गया, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, तो सबको मैं 15-20 रुपये बांट के आया, 100-100, 200-200, 500-500 लड़कियों को औरत सबको दे दिए पैर चाहिए, कि तुम्हारी नहीं हमारी बहन बेटी, जंगल में तुम रहते हो हम भी रहते हैं, पहले जैसे बागी नहीं किसी बहन बेटी टच करें, अब प्रेम सुनो हमारी कोई बात हो हमको बताना। फिर भी उन लोगों ने गद्दारी करी, अपना साथी मर गया, तो इनकाउंटर हो गया। इसके बाद में मैंने सोचा कोई और भी पुलिस हिला सकता है, ये निर्दोष होंगे लोग। तो रात को उसी दिन शाम को उस टाइम कमांडर गाड़ी चलती थी, हमने इसे सुपर रोड से एक सीपरी के मियाँ की गाड़ी थी, वो जा रहा ड्राइवर में ही था, अकेला बेटा कहाँ जा रहे बेटा, सीपरी जा रहे हैं, उसको रोका मैंने, तो बेटा इधर गोरस चलना हमारे लिए, पुलिस की वर्दी में थी मानो पुलिस वाले, हम 7-8 आदमी अलग थे, गैंग अलग कर दी मैंने, गाँव वाले 4 लड़के अलग बुलाए मैंने, नए जवानों को जो पुलिस की वर्दी पर आई, पुलिस की राय पर ले दी, मैं गाड़ी में बैठ गया।
और 8 बजे रात को माड़ावाड़ी टॉप रोड पहुँच गए। वो लोग मेरा कि मुझसे गाली देना आप लोग, बोले रमेश करवार बहुत खतरनाक आदमी है, वो साला तुमको मार डालेगा, तुम्हें बंदूक लाइसेंस चाहिए, गोली कैसे चली बताओ, कौन कौन थे गोली चलाने में, हमको एस पी साहब ने भेजा है। वो मूर्ख साले कुछ नहीं समझ पाए, जंगली मवेशी तो चलाते ही हैं, एक रजिस्टर ले लिया डॉक्टर ले लिया, उनके नाम लगा अपने अपने किसको बंदूक लाइसेंस चाहिए, उन्हीं को मिलेंगे जिसने काम किया हो डांगू मरवाने में सहायता करी हो, तो अपने आप कहने लगे साहब मैं साथ में था, वो साथ था, बरगमा से पुलिस लेके आए, उन्होंने पूरी कथा गा दी, सच्चाई सामने आई। मैं अंदर गाड़ी में बैठा सुन रहा पास में, तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा क्यों रे गद्दार हो तुम लोग, हमारे देश में आए कहाँ से, मैं तुमको अपने घर की तरह मान लिया था, तुमको कोई मतलब नहीं है, 50,000 रुपये भी तुमने एक आदमी मरवा दिया हमारा, तो भाई साहब गलती हुई, पैरों में गिरने लग गया, कुछ नहीं हाथ बांध दो सबके, तो सबके हाथ बांधे, मैंने कहा प्रभु था अशोक पंडित था धुंधा वाला, मैंने कहा मैं निकलता हूँ, सब में लगा तरफ से गोली, तो 16 एक जगह मारे, फिर 4 एक जगह मारे, 7 एक जगह मारे, इस तरह 27 मारे रात रात में, तो बब्बड़ मच गया। फिर कोई ये कहता पुलिस वाले कि भाई डमी उसकर मारी गेंग है, तो वो कहते साहब वो 27 मारे मरवाओगे, वो फिर मारेंगे साहब के गांव खाली हो जाएगा, फिर कोई बताते नहीं था, तो बागी को अगर नहीं मरवाओगे तो पूरी गेंग मर जाएगी कल, तो बेहतर तो अपनी दिखानी पड़ती है, एक अपना साथ ही मरो 27 मर गए, तब 2 साल तब बागी रहे, 82-83 बाद 84 इंसिडेंट हुए, तब तो इनकाउंटर नहीं हुआ ना, कोई बताते नहीं था, गांव वाले के डकैत किधर रहते हैं नहीं था हमको पता नहीं, मैंने बताएंगे साहब पता तो, अरे को मार दिया तुम क्या करो बता, तो बागी को अपना एक मर जाएगा तो 4 मारना जरूरी है, नहीं तो उसकी बागी जिंदा नहीं बचेगा, फिर एक मरे बाद उसको बागी हो, फिर तो सबसे बड़ी घटना थी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।